अस्सलाम वालेकुम जी आइनो, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ कि आप भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और जी आज यहाँ मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, और ये सर्दियों की जो है वो स्पेशल सब्ज़ी होती है, क्योंकि हर तरह की सब्ज़ी, वैसे एक बात है कि जो सर्दी का मौसम होता है ना, इसमें वेजिटेबल्स बहुत सी वैरायटी होती है और बहुत मतलब देख के दिल खुश होता है, रंग बिरंगी होती है। देखिए गाजर जो है वो रेड कलर की होती है, शलजम जो है वाइट कलर की होते हैं, मटर जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, और रंग बिरंगी मिक्स मिक्स सब्ज़ियाँ होती हैं और मैं आज वही बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने मेथी को ना प्याज में ब्राउन वो किया है, थोड़ा सा ब्राउन किया, उसके साथ पकाया। मिक्स सब्ज़ी में ना मेन चीज़ ये होती है कि हमको सब्ज़ियाँ बहुत सारी काटनी पड़ती हैं, लेकिन बनाना तो बहुत इजी है। बस फिर तड़का बना के उसमें डाल के हल्की आंच पर रख दें और ज़बरदस्त से सब्ज़ियाँ जो है ना वो गल जाती हैं। अच्छा, मैं जब भी मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मुझे अपना एक वाक्य याद आता है, एक बात मुझे याद आ जाती है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। तो वो वाक्य ये वो बात मैं आपको ना फिर किसी दिन सुनाऊँगी किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह। ये देखें, ये मेरी मिक्स सब्ज़ी तकरीबन रेडी होने वाली है, और अभी जो है ना इंस्टेंट अचानक से हमारे घर आ गए गेस्ट, तो मैंने अब साथ साथ चाय भी रखी है। और काफ़ी बिजी डे रहा है आज मेरा, क्योंकि आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, तो कपड़े भी धोए हैं, फिर ऊपर आ गई, फिर काम शाम, और बस आज जो है ना बस काम। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट डे था इस, आज हम जो है ना मैं शाल और शाल की पप्पो और शाल की कज़न्स वगैरह जो है ना मिलकर जा रहे थे गुलशन पार्क। आज हम सिर्फ लेडीज़ जा रहे थे, तो इसलिए हम जो है ना रक्षे पे या चिंची कह लें उस पर जा रहे थे। हमने कहा था आज हमने जो है ना वो अकेले इंजॉय करने, सिर्फ लेडीज़ ने, तो बस हम अब आए हैं गुलशन पार्क। ज़्यादा वैसे हम नहीं रुके थे यहाँ पर, बस बच्चों को राइड्स वगैरह दिलाई थी और फिर थोड़ा बहुत खाना पीना किया था और वापस आ गए थे, क्योंकि हम लेडीज़ ही थी और साथ में बच्चियाँ भी थी, इसलिए हम जो है ना हमने कोशिश की थी कि बस मगरिब, जैसे ही मगरिब की जाने हुई थी, बल्कि उससे पहले पहले जो है ना वहाँ से निकल आए थे। और आज के दिन जो है ना सूरज में अभी आबोताब से निकले हुए थे। वैसे आप कहेंगे कि इस मौसम में सूरज कहाँ से आ गया, दरअसल मैंने आपको बताया था ना, ये मेरे पास ना पहले के क्लिप्स हैं, मीन्स कि मैं थोड़े पीछे जा रही हूँ, मैं जो है ना वक्त थोड़ा फॉरवर्ड जा रहा है, तो जो मेरी वॉइस ओवर है ना वो फॉरवर्ड है, लेकिन जो मेरे सीन्स आप देख रहे हैं ना, जो वीडियो क्लिप्स आप देख रहे हैं, वो थोड़े पीछे जा रहे हैं। तो ये वाला जो झूला है ना, लिटरली इस पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं कराची में कहीं बैठी थी, उसके बाद मैं नहीं बैठी, लेकिन इशाल की फुप्पो ने ना इस पर मुझे ज़बरदस्ती से बिठाया, तो इशाल भी बैठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इशाल बहुत ज़्यादा डरेगी, लेकिन लिटरली इशाल इतना शोर मचा रही थी, मुझे नज़र नहीं आ रही थी इशाल। मैंने बस आइज़ बंद कर ली थी, और जब मैं इस झूले से नीचे उतरी, मैंने इशाल से कहा, इशाल आपको डर लग रहा था, मम्मा ने आपको इतनी मजबूती से पकड़ा था। तो इशाल कहती थी, नहीं मम्मा मैं तो चीखे मार रही थी। ये देखिए, ये वही झूला जिसकी मैं आपको भी बात बता रही थी, ड्रैगन राइड्स आई थिंक, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वैसे हम कश्ती वाला झूला भी कहते हैं, तो वहाँ बैठे थे। उसके बाद जो है ना ये डोली वाला झूला था, वैसे मैं अब सही जो है ना देसी मज़े वाले नाम ले रही हूँ, जो ये जो है ना ये ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट पर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन एक बात है, ये बहुत कम झूला इन्होंने दिया था, लग ही नहीं रहा था। मुझे लगता था इस झूले में ना कोई ख़राबी थी, कुछ था इसमें, कोई इशू था, इस वजह से जो है ना ये सही से इन्होंने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम जो है ना ऊपर जाके नीचे वापस आ गए थे। और बस अब हम सोच रहे थे कि बच्चों को कुछ खाना पीना खिलाएं, और क्योंकि डेफ़िनेटली बच्चियां हों, और फिर खैर हमें ख़ुद भी दिल कर रहा था खाने का, तो हमें यहाँ पर जो है ना बेस्ट ऑप्शन गोलगप्पे ही लगे, तो हमने वही खाए। और बच्चियाँ घर से भी कुछ चीज़ें लेके गई हुई थी, उनको पता था ना जैसे कि वीडियो बन रही है, तो बस सब निकाल निकाल के जो टेबल पे रख रही थी। और ये देखिए गोलगप्पे भी आ गए हैं, और लिटरली गोलगप्पे जब भी देखो ना, देख के चाहे वीडियो में देखो, कहीं भी देखो ना, मुंह में लिटरली पानी आ जाता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे गोलगप्पे जो है ना वो डिसेंट तरीके से खाना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि डिसेंट तरीके से हम इसे खा सकते हैं, क्योंकि अगर डिसेंट तरीके से खाएं ना फिर वो मज़ा नहीं आता। और बस उसके बाद हम जो है ना वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे, और ये निकल रहे हैं हम बाहर की तरफ। अच्छा, पहले बच्चियाँ जो है ना घूमती फिरती रही, उनको बिल्कुल पिक्चर्स लेना याद नहीं आई, जैसे ही हम वापस आने लगे उनको याद आया कि हमने डिफरेंट पोजेस बनाने हैं और पिक्चर्स लेनी है। बस अब हम ये घर की तरफ जा रहे हैं। ये अभी हम ना खाना खाने लगे हैं, ये मेरी भाभी ने ना उस दिन मुझे साथ कढ़ाई दी थी, चिकन कढ़ाई, वो बस फिर मैंने आके फ्रीज कर दी थी, और आज मैंने अभी ये गरम की है और बहुत टेस्टी थी। मैंने भाभी कहती थोड़ी साथ ले जाओ तुम खा लेना, और मुझे इस वक्त काफ़ी दिल करता कुछ डिफरेंट खाने का, और वाकई मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच भाभी। और यहाँ पर रोटियाँ,
और मेरे शाल अब खाने लगे हैं खाना। और शाल के बाबा अभी अभी शाल के लिए कुछ लेके आए हैं, हम देखते हैं क्या लाए हैं। आप खोलो ना इसका, मैं वीडियो पिज्जा नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है। ओहो आपसे वीडियो नहीं ना बनती, नहीं तो आप बनाओ और मैं खोलूं। चलो ओपन इट। वाव और टिश्यू भी है। एक मिनट है, एक मिनट ना, ये किसका है? बदल लेते हैं, दे देती बदल लेते हैं, पिज्जा लेते हैं। सेकंड वाई, सेकंड वाई, पिज्जा नहीं है बदर है। लगे हैं बदर, शाल का बदर। बोले शाल बर्गर बदर बदर। आप निकालो ना, आप निकालो, मामा वीडियो बना रहे हैं। आराम, एक मिनट है, एक मिनट नहीं, शाल बेटे ये लगी हुई है। वाओ जिंदा बर्गर, जिंदा बदर। चले जी अब हम एंजॉय करने लगे हैं अपना बर्गर। पता नहीं मैंने आगे पीछे क्लिप्स डाल दिए, मुझे कोई याद नहीं कौन सा क्लिप कब का था, लेकिन चलें कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे दीजिए आप इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।